नमस्कार, छठवें सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पंचायत को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं आखिर आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा क्यों जरूरी है। महात्मा गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में विचार रखते थे। वह गांवों को स्वतंत्र राजनीतिक और आर्थिक इकाई के रूप में देखते थे। उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती है। आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बुनियादी ढांचे वाले गाँव का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को बुनियादी ढांचे के मामले में स्वावलंबी बनाना और सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा बुनियादी सेवाओं तक समुदाय की पहुंच सुनिश्चित करना है। विकास के लिए आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचा बहुत ही जरूरी है। यह विषय सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामान्य सेवा केंद्र आदि के क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण के लिए ग्राम पंचायत जीपी स्तर पर सहायता प्रदान करने और एक सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है। विकास के साथ ही साथ बुनियादी ढांचा सामाजिक कार्यों के निर्वहन एवं अर्थव्यवस्था के उन्नति के लिए भी आवश्यक है। मानव जीवन को समृद्ध बनाने एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचा या आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता से ग्राम पंचायत स्तर पर विकास दिख सकता है। वर्ष 2030 तक सतत विकास SDG के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, आवास, पर्यावरण एवं पशुपालन आदि क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुकूल ढांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं, बच्चे और दिव्यांगजन कोई भी विकास से वंचित न रहे। हम कब कह सकते हैं कि हमारी पंचायत आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत है? जब पंचायत के प्रत्येक वार्ड या मोहल्ले में गुणवत्ता युक्त पक्की सड़कें तथा स्ट्रीट लाइट हो, जब सभी पात्र परिवारों को आवास की उपलब्धता हो, जब सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता हो और परिवार के सभी सदस्य उसका उपयोग कर रहे हो, जब सभी स्थानों पर उचित जल निकासी की व्यवस्था हो, जब सभी घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा हो, जब गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचनाओं जैसे आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि का निर्माण किया गया हो। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पंचायतों को सुनिश्चित करना होगा। ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण एवं मरम्मत तथा शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बंद और ढके हुए नालों का निर्माण कर उचित सीवेज सिस्टम स्थापित करें। चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तर, पर्दे आदि हों। बस शेल्टर हो एवं प्रमुख ग्रामों तक सड़क से कनेक्टिविटी हो। ग्राम पंचायत भवन में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो। सर्वे के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यकता का आकलन करना। पंचायत की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समुदाय सदस्यों के साथ समितियों का निर्माण या गठन करना। आइए हम समझते हैं कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। पंचायतें यदि सुनियोजित योजना बनाकर परिसंपत्तियों का निर्माण करना चाहे तो यह संभव है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विकासखंड इच्छावर के ग्राम पंचायत भावखेड़ी का, जहाँ पर ग्राम पंचायत ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस किया, जिसमें नरेगा, RGSA, वेटनरी डिपार्टमेंट और बैंकों के सहयोग से एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे कि भविष्य में ग्राम पंचायतों को इन परिसंपत्तियों के निर्माण से ऑन सोर्स रेवेन्यू आ सके और वे एक सशक्त और समृद्ध पंचायत बन सके, जिसके अंतर्गत RGSA के अभिसरण से यहाँ पर बकरी शेड, CLA भवन,
साथ में दाल मिल, पशु आहार यूनिट और वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण कर मछली पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर अप्रोच पर कार्य किया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों की आय बढ़ सके और पंचायत में ऐसे स्थायी संपत्तियां निर्माण कर उसके ऑन सोर्स रेवेन्यू को भी बढ़ाया जा रहा है। कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय ग्राम स्वराज को लेकर ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण भूमिका है और ये परिकल्पना है कि भाई स्थानीय जो समस्याएँ, स्थानीय मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर हैंडल करे। एक साल का मेरा अनुभव जो है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी संस्था तब तक निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती है, सक्षम नहीं है जब तक कि उनके अपने संसाधन नहीं हों। क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे तो योजनाओं के ऊपर जो ग्राम पंचायत की निर्भरता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्थानीय प्राथमिकता हैं उनको अगर हमें एड्रेस करना है तो ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर ऐसी परिसंपत्तियाँ बनानी पड़ेंगी जो उनको लंबे समय में उनके आय के स्रोत पैदा करें। क्योंकि जब ग्राम पंचायत के अपने स्रोत होंगे, ग्राम पंचायत की अपनी आमदनी होगी, तो ग्राम पंचायत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो योजनाओं के बाहर के हैं उनको ग्राम पंचायत एड्रेस कर सकती है। प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों को लेके अगले 5 साल में हम उनको डेवलप करें जो कि ग्राम पंचायतों को लंबे समय में आमदनी के स्रोत साधन के रूप में वो विकसित हों। ग्राम पंचायतों का काम है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका सीसी रोड, नालियाँ ये सब बनाना हो तो रूटीन वर्क्स है, बट लंबे समय में ग्राम पंचायतों को सक्षम बनाना है तो ये परिसंपत्तियाँ भी ग्राम पंचायतों को डेवलप करनी पड़ेगी और उसके ऊपर हम लोग शने उस पर काम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास संसाधन है, भौतिक हो या प्राकृतिक संसाधन हो, उसमें स्थानीय समुदाय को जोड़ के उनका सहयोग लेके हम ऐसे परिसंपत्तियाँ विकसित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 4 से 5 साल में ऐसे इतने आमदनी के साधन हम लोग विकसित कर पाएंगे जिससे कि हम स्थानीय जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। पंचायत स्तर पर भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण न केवल पंचायतों में उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं को प्रभावी बनाता है बल्कि आजीविका के अवसर भी बढ़ाता है। लेकिन इन परिसंपत्तियों के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की सामूहिक तौर पर होना चाहिए, जिससे ये परिसंपत्तियां लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे और समुदाय को सुविधा प्रदान करती रहे। पंचायतें इनको बढ़ावा दें। बालिकाओं एवं बालकों के लिए समान रूप से खेल के मैदान की उपलब्धता हो, सभी महिलाएं, पुरुष और अन्य लोगों के लिए समान रूप से पहुंच वाले सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था हो, सामुदायिक भवनों में सभी लोगों की पहुंच हो, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए सामुदायिक स्तर पर परिवहन सुविधा हो। किसी भी पंचायत को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित तौर पर वह पंचायत आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत के संकल्पों को हासिल कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, 15वां वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद है यह सत्र आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।